हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो अभी है मॉर्निंग का टाइम और मैंने यहाँ पे कुछ हरी सब्ज़ी धो के रखी थी कल, तो मैं इसको फटाफट से कट कर देती हूँ। मुझे अभी बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट में देना है हरी सब्ज़ी और मैं दूंगी हरी सब्ज़ी के साथ पराठा। तो फटाफट से मैं इसको कट कर देती हूँ, फिर मुझे जाना है थोड़ा सा वॉक पे, फिर आऊँगी, उसके बाद फिर बनाऊँगी मैं हरी सब्ज़ी। तो मैं आ गई वॉक से और मैं यहाँ पे वैभव के लिए गर्म पानी ले जा रही हूँ, क्योंकि प्राची तो सुबह उठ जाती है खुद ही और वैभव को जगाती हूँ। वैभव पानी पियो, जल्दी आओ। वैभव उठो। वैभव को जगाने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में और मैं यहाँ पे फटाफट से हरी सब्जी चढ़ा देती हूँ, क्योंकि सुबह इतना जल्दी जल्दी टाइम हो जाता है, बच्चों के स्कूल जाने तक टाइम का बिल्कुल भी पता ही नहीं चलता है। तो मैंने यहाँ पे रख दिया सब्ज़ी बनने के लिए और फटाफट से मैं इन बर्तनों को लगा देती हूँ। तो यहाँ पे सब्ज़ी बन चुकी है और अभी बच्चों के तैयार होने में टाइम लगेगा, तो मैं तब तक फटाफट से बाहर की सफाई करके आती हूँ। तो बच्चे हो चुके हैं रेडी और मैं फटाफट से इनको अब स्कूल पहुंचा के आती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको वहाँ से आने के बाद। तो मैं आ गई हूँ अभी बच्चों को स्कूल में पहुंचा के और साथ में मैं लेके आई हूँ दूध का पैकेट और फटाफट से मैं दूध बॉईल करने के लिए रख देती हूँ और बना लेती हूँ अपने लिए चाय। तो मैंने यहाँ पे रख दी है चाय बनने के लिए और जब तक मेरी चाय उबलती है तब तक मैं रूम को सही कर लेती हूँ। बच्चों के जाने के बाद इतना बिखरा रहता है घर, तो पहले इसको सब समेट लेते हैं, उसके बाद फिर होगी साफ सफाई। तो यहाँ पे मैंने बेड वेड सब झाड़ लिया है और कंबल सब समेट लिए हैं और अब मैं पी लेती हूँ यहाँ पे चाय। मेरी चाय बन के हो चुकी है रेडी। तो चाय मैंने पी ली है और फिर से मैं लग गई हूँ अपने काम में, क्योंकि सुबह तो एक मिनट भी टाइम नहीं मिलता है बैठने के लिए। 10-10:30 बजे तक तो एकदम बिजी रूटीन रहता है। 10-10:30 बजे के बाद ही थोड़ा सा रेस्ट मिलता है बैठने के लिए, उसके बाद फिर खाना बनाना, बच्चों को लेने जाना, बस यही काम रहता है। तो मैंने यहाँ पे सारे कंबल उठा दिए हैं और मैं अब चलती हूँ मंदिर वाले रूम में और मंदिर की करती हूँ सफाई।
तो मंदिर की मैंने सफाई कर दी है और अब मैं लगा लेती हूँ फटाफट से पोछा, फिर उसके बाद होगा नहाना धोना पूजा पाठ। तो नहा धोने के बाद मैंने मंदिर में यहाँ पे जोत जला दी है और आज है नवरात्रि का सातवां दिन और आज होती है माँ काल रात्रि की पूजा। तो यहाँ पर मैं फटाफट से पूजा कर लेती हूँ और माता रानी सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए। तो आज है नवरात्रि का सातवां दिन और आज होती है माँ काल रात्रि की पूजा। तो आज माँ काल रात्रि को चढ़ता है दही और गुड़, पेड़े भी चढ़ते हैं, तो मैंने दही और गुड़ का भोग लगा दिया है माता रानी को। तो मेरी सुबह की पूजा पाठ संपन्न हो चुकी है और मैं आ गई हूँ किचन में और फटाफट से मैं अपने लिए बना लेती हूँ चाय और मैं चाय पीऊँगी, उसके बाद जाऊँगी थोड़ी देर धूप में बैठने के लिए क्योंकि आजकल ठंडी का मौसम आ रहा है तो सुबह सुबह धूप में काफ़ी अच्छा लगता है बैठने में। तो मेरी चाय बन के हो चुकी रेडी और मैं चाय पी लेती हूँ फटाफट से और फिर जाती हूँ कपड़े सुखाने के लिए और बैठूँगी भी थोड़ी देर धूप में। तो अब मैं आ गई हूँ कपड़े सुखाने के लिए और फटाफट से मैं कपड़े सुखा देती हूँ और आज का सुबह का काम हो चुका है ख़त्म। अब सीधे मिलते हैं आपको लंच टाइम में। तो थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद अब मैं आ गई हूँ किचन में और आज मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ पोहा। तो मैं फटाफट से पोहा धो के रख देती हूँ, फिर थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा। मैंने यहाँ पे पोहा बना के तैयार कर दिया है, सिंपल सा बनाया, प्याज वाला नहीं बनाया। मूंगफली तो खाते बच्चे पर मूंगफली मेरे पास थी नहीं, तो मैंने खाली जीरा डाल के मसाले वसाले डाल के सिंपल सा बना रखा है। पोहा बन के तैयार हो चुका है, अब मैं बना दे रही हूँ बच्चों के लिए पराठे और सब्जी भी है तो पराठे और सब्जी भी खा लेंगे साथ में। बच्चे भी रोज़ रोज़ दाल चावल खा के हो जाते हैं बोर, तो मैंने सोचा चलो आज अलग सा बना दूँ क्योंकि पोहा तो काफ़ी पसंद है इनको, कभी भी दे दो खाने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने पराठे भी बना दिए हैं और फटाफट से मैं बच्चों का लंच लगा दे और मैं आज का ब्लॉग यहीं पे करती हूँ एंड। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।